हेलो गाइस, कम बैक। माय नेम इज विशाल मिश्रा, बीटेक सिविल इंजीनियर। आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आऊं, लाइफ ऑफ सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर की लाइफ कैसी होती है और कैसे आप इस सिविल इंजीनियर में कैसे आप इसमें स्कोप बना सकते हो। सिविल इंजीनियर बेसिकली जो सिविल इंजीनियर होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। एक तो डिप्लोमा कर रखा होता है या फिर वह बीटेक सिविल इंजीनियर होता है। बीटेक सिविल इंजीनियर बनने के लिए आपको 12th में PCM लेना कंपलसरी होता है। PCM लेने के बाद में आपको ITJMS का आपको पेपर देना होता है, जिसमें आप ITJMS में पेपर देने के बाद में आपकी उसमें रैंक आती है, कट ऑफ होती है। कट ऑफ में अगर आपका नंबर आ जाता है तो आपका IIT में नंबर आ जाता है। तो गवर्नमेंट जो जिस इस प्रोसेस के थ्रू आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाता है। अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है तो आपको प्राइवेट कॉलेज बहुत सारे होते हैं जो गवर्नमेंट से एफिलेटेड होते हैं। बेसिक क्योंकि जैसे MDU मेहर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र और आपका यूपी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, जो बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी है जो बीटेक करवाती है। तो गाइस, बीटेक में एडमिशन लेते हो तो बीटेक में एडमिशन लेते समय आपको बहुत फर्स्ट ईयर जो होता है वो हमारा कॉमन होता है। फर्स्ट ईयर में आपको हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और ऑल ब्रांचेस की हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं हमें बीटेक में। सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में हमें सिविल के कोर सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जो बेसिकली हमारे सिविल के कोर सब्जेक्ट होते हैं। सोइल मैकेनिक्स, स्ट्रक्चर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिजाइन स्टील स्ट्रक्चर और BCM बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल, फ्लूड मैकेनिक्स, ये हमारे इरीगेशन, डैम, ये हमारे बेसिक सिविल इंजीनियर सब्जेक्ट होते हैं जो हमें इसे पढ़ाए जाते हैं। सिविल इंजीनियर सिविल और लास्ट में आता है एस्टिमेशन में हमें बिलिंग के बारे में पता जाता है। ये जो हम इन मेन सब्जेक्ट को पढ़ के हम सिविल इंजीनियर बन जाते हैं और हमें कॉलेज से हमें डिग्री मिल जाती है। अगर इसमें इन सब्जेक्ट में अगर आप सेटिंग से नहीं पढ़ रहे हो तो आपकी बैक आती है, जो एक साल बाद में आपका उस बैक का क्लियर करने के लिए आपको मौका मिलता है। और बेसिकली 100 नंबर का हमारा पेपर आता है, उसमें पास होने के लिए 40 नंबर लाने कंपलसरी होते हैं। अगर आपके 40 से कम नंबर आते हैं तो आप फेल माने जाते हो। तो गाइस, सिविल से पास आउट होने के बाद में अब जो हमारी असली जो लाइफ कॉलेज से पास आउट होने के बाद में हमारी जर्नी स्टार्ट होती है सिविल इंजीनियर की। कॉलेज में तो हम बहुत सारे सपने देखते हैं कि हम ऑफिस में बैठेंगे, डिजाइन करेंगे और ऑफिस में बैठे हम बिल्डिंग का काम करेंगे। तो गाइस, कई बच्चे जो ब्रिलियंट होते हैं तो उनको इंटरव्यू में क्रैक करने के बाद में तो उनका कहीं ना कहीं किसी अच्छी कंपनी में सिलेक्शन हो जाता है। अगर किसी का अच्छी कंपनी में सिलेक्शन नहीं होता है तो वो साइट पे आ जाते हैं एज पर रोल बनके साइट इंजीनियर बनके आ जाते हैं साइट पर, जो बहुत ही रफ एंड टफ जॉब होती है। आपको साइट पे जाने का समय होता है 8 बजे साइट पे जाने का समय होता है और छुट्टी का कोई समय नहीं होता है। अगर आपकी कास्टिंग हो रही है तो आपको कास्टिंग में रुकना कंपलसरी है, तो आपको पूरा दिन कास्टिंग चलती है, पूरी रात कास्टिंग चलती है, तो आपको गाइस कास्टिंग में रुकना कंपलसरी होता है। तो गाइस, इसमें आपको साइट इंजीनियर को पूरे दिन आपको धूप में खड़ा होना पड़ता है और ठंड में भी आपको खड़ा होना पड़ता है साइट पे। तो आपको ठेकेदारों से, जो हमारे ठेकेदार होते हैं साइट पे, उनसे आपको माथा पच्ची करनी होती है, उनसे आपको काम निकलवाने के लिए आपको उनसे अपनी बहस करनी पड़ती है। जो ठेकेदार होता है वो साइट पे अपने चलाता है और आप इंजीनियर हो तो आपने उस सब्जेक्ट को, उस चीज के ऊपर पढ़ा है तो आपको नॉलेज होती है, तो आप
जो आपको पढ़ा है, जो आपने पढ़ा है वो आप उससे एक ठेकेदार को बताते हो, तभी भी ठेकेदार जो अनपढ़ ठेकेदार होता है वो आपको दबाएगा, दबाने के बाद में आपको आपके चने नहीं देगा, तो वो वह आपसे बोलेगा आपको कुछ नहीं आता है। तो गाइस जो सिविल इंजीनियर की जो साइड पे जो चने होती है वो बहुत ही रफ एंड टफ होती है, और गाइस वैसे भी इंडिया में सिविल का स्कोप बहुत ही कम होता जा रहा है, इंडिया में सिविल का स्कोप बहुत ही कम होता जा रहा है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है वो, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में आपको सिविल इंजीनियर की जरूरत पड़ती है, और जैसे कि नॉर्मली जो अनपढ़ जो ठेकेदार होते हैं वो अपने आप को सिविल इंजीनियर बोलते हैं। तो गाइस अगर आपको इंडिया में अगर आपको जॉब लग रही है तो साइड पे आपको आपकी सैलरी लास्ट टू लैख आपकी स्टार्टिंग जो आपकी इंडिया में अगर आपकी सैलरी जॉब लग रही है दस हजार टू 2 लाख लास्ट आपकी सैलरी रहेगी। तो गाइस अगर आप सिविल इंजीनियर अगर आप बीटेक करने के बाद में आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आप जेई की पोस्ट पे लग सकते हो, जिसकी सैलरी 60-70 हजार से स्टार्टिंग होती है, उसमें आपको बिल पास करने होते हैं। अगर आप बिल पास नहीं करते हो तो ठेकेदार आपको कमीशन देता है, जो इससे आप एक अच्छी कमाई कर सकते हो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे। तो गाइस अगर मैं बात करता हूँ इंडिया से, अगर आप फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हो तो दुबई में, अगर किसी भी आप फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हो तो सिविल का वहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप है, वहाँ पे आपको डॉलर और दिनार में आपकी इनकम होती है, और खाना पीना रहना सारी कंपनी खर्चा उठाती है। तो गाइस अगर आप इंडिया में सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो बहुत ही यह इंडिया में रफ एंड टफ जॉब होती है, और वीकली कोई इसमें कोई ऑफ नहीं होता है, सैटरडे संडे मंथ टू मंथ आपको डेली वर्क करना होता है, लेबर की अटेंडेंस कार्ड आपको लेबर के भरने होते हैं, लेबर को आपको साइड पे आप लेबर चलाओगे, लेबर से आप कितना काम निकलवा सकते हो वो आपके हाथ में होता है। तो गाइस अगर आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आप साइट पे जाना चाहते हो तो यह आपके लिए बहुत ही रफ एंड टफ की जॉब होती है। तो गाइस मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपने स्किल्स को सुधारें और आप अपने कहीं ना कहीं आप एक इंटरव्यू को क्रैक करें ऑफिस में जॉब पाने के लिए। अगर आप ऑफिस में जॉब पाना चाहते हो तो आपकी टेक्निकल जो स्किल्स है आप उसे अपना स्ट्रॉन्ग करें, एस्टिमेशन निकालनी आनी चाहिए, ऑटोकैड आना चाहिए, 3D Max सॉफ्टवेयर आना चाहिए, डीबी सॉफ्टवेयर आपको आना चाहिए। तो गाइस सिविल इंजीनियर की जर्नी ऐसे स्टार्ट होती है और लाइफ इसकी बहुत ही टफ होती है। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे क्वेरी कर सकते हैं। तो गाइस कैसे लगे आप वीडियो, तो आप मेरे को लाइक करें, शेयर करें।